दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ भूकंप आने से सब कुछ तबाह हो जाता है और लोग भूख प्यास से मरने लगते हैं। लेकिन यहीं एक डॉक्टर लोगों को बचाने के बहाने उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिससे आम लोग मॉन्स्टर्स बनने लगते हैं। अब क्या कोई उस डॉक्टर को रोक पाएगा, और आखिर ये डॉक्टर लोगों पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है, चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी काफी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम यांग नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जिसकी बेटी सुयोन मरने वाली होती है। तभी यांग किसी तरह का एक सीरम निकालता है और सुयोन की बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और यांग को ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि आपके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन यांग उन सोल्जर्स से कहता है कि मैंने लोगों को जिंदा रखने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये सीरम उसी का नतीजा है। डॉक्टर यांग सोल्जर्स को बताता है कि मैंने अपने शरीर में भी इस सीरम को इंजेक्ट कर लिया है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये बोलकर डॉक्टर यांग सुयोन के इंजेक्शन लगा देता है। तभी एक सोल्जर यांग के हाथ पर गोली मारता है और सारे सोल्जर्स यांग को पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत जोरदार भूकंप आता है और सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं और यांग की बिल्डिंग भी गिर जाती है। यांग अपनी बेटी को बचाता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाता है। कहानी अब 3 साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि भूकंप की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और अब लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर बारिश भी नहीं हुई। यही हम जीवान नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि शिकार करने के लिए बाहर निकला होता है। तभी जीवान के सामने एक बड़ा सा क्रोकोडाइल आ जाता है। जीवान अपने तीर से उस पर हमला करता है, मगर इस वजह से क्रोकोडाइल अब जीवान के ऊपर हमला करने लगता है। जीवान बचने के लिए एक कार में छुप जाता है, मगर वो क्रोकोडाइल कार के अंदर घुसने लगता है। तभी यहाँ पर नामसन नाम का एक आदमी आता है और अपनी तलवार से क्रोकोडाइल की गर्दन को काट देता है, जिससे क्रोकोडाइल यहीं पर मर जाता है। दरअसल नामसन जीवान का अंकल होता है और वो दोनों साथ में ही रहते हैं। अब इसके बाद हम सुना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी दादी के साथ रहती है। सुना की दादी बाहर से अपने साथ कुछ गंदा पानी लेकर आती हैं और सुना उसे फिल्टर ट्रैप से साफ करने की कोशिश करती है। तभी सुना की दादी सुना को बताती हैं कि बहुत दिनों से बारिश ना होने की वजह से पीने का साफ पानी बिल्कुल खत्म हो गया है और अब ये गंदा पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सुना की दादी सुना से कहती है कि हमें किसी और बस्ती में चलकर रहना चाहिए, पर सुना अपनी दादी को समझाती है और कहती है कि किसी और बस्ती में भी अब खाना और पानी नहीं बचा है और हम किसी और बस्ती में जाकर अपने आप को नहीं बचा सकते। अब इसके बाद हम कुछ बस्ती के लोगों को देखते हैं, जो गंदे पानी को पीकर ही अपना गुजारा कर रहे होते हैं। यही नामसन और जीवन क्रोकोडाइल के मीट को बस्ती के लोगों को देते हैं और उसके बदले में बस्ती वाले लोगों से कुछ सामान ले लेते हैं। फिर एक औरत बहुत सारे गहने लेकर उनके पास आती है और उनके बदले में मीट मांगती है, पर नामसन उससे गहने लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अब इनकी कोई भी कीमत नहीं रही। लेकिन वो औरत नहीं मानती, इसीलिए नामसन उसे एक छोटा सा मरा हुआ सांप दे देता है। अब तभी यहाँ पर सुना और उसकी दादी भी आती हैं, जो देखकर जीवन बहुत खुश हो जाता है। सुना की दादी नामसन को एक स्वेटर देती हैं और बोलती हैं कि तुम हमारा बहुत ध्यान रखते हो। यही सुना भी नामसन को एक पेंटिंग देती है और बताती है कि ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। दरअसल भूकंप आने के समय में नामसन ने ही सुना और उसकी दादी को बचाया था और तभी से वो सुना और उसकी दादी का ध्यान रखता है, इसलिए सुना और उसकी दादी नामसन और जीवन को अपनी फैमिली मानती हैं। अब नामसन सुना को मीट देता है और फिर सुना की दादी सुना से घर वापस चलने के लिए कहती हैं। लेकिन अब तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और कुछ लोगों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। एक आदमी जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो एक गुंडा उसका हाथ काट देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब तभी एक गुंडे की नजर सुना पे पड़ती है और वो उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर जीवान को गुस्सा आ जाता है और वो गुंडे को मारने लगता है, मगर सारे गुंडे अब जीवान के पास आते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी नामसन बीच में आकर सभी गुंडों को मारता है और उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा बॉस कौन है। इस पर वो गुंडा अपने बॉस का नाम टाइगर बताता है। नामसन ये सुनकर कहता है कि टाइगर ये अब तक जिंदा है, यानी कि नामसन टाइगर को जानता है। अब तभी नामसन इस गुंडे के पास बिल्कुल साफ पानी देखता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर वो गुंडा नामसन को बताता है कि इस जगह से दूर एक अपार्टमेंट है जो कि भूकंप से नहीं गिरा था और ये पानी हम वहीं से लाए हैं। फिर नामसन उन्हें छोड़ देता है और वो गुंडा नामसन से उसका नाम पूछता है, जिस पर नामसन उसे अपना नाम बताता है और नामसन का नाम सुनते ही उस गुंडे के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद जब नामसन और जीवन बाजार खत्म करके घर जा रहे होते हैं, तो तभी इन्हें कुछ लोग सुना और उसकी दादी से बात करते हुए दिखाई देते हैं। नामसन और जीवन उनके पास जाते हैं। यहाँ एक लेडी इन्हें बताती है कि मैं एक टीचर हूँ और हम एक ऐसे अपार्टमेंट से आए हैं जहाँ पर खाना और पानी दोनों चीजें मिलती हैं और हम जवान बच्चे और उनकी फैमिली को अपने साथ उस अपार्टमेंट में ले जाते हैं और टीनेजर्स को पढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चे आने वाले समय में दुनिया और इंसानियत को खत्म होने से बचा पाएं। ये सुनकर नामसन उस टीचर से पूछता है कि उस जगह पर अगर साफ पानी और खाना मिलता है तो फिर वहाँ पर तो बहुत सारी गैंग्स हमला करती होंगी, तो आप सब उनका सामना कैसे करते हो।
जिस पर टीचर उसे बताती है कि हमारी सुरक्षा आर्मी करती है और इसी वजह से अब कोई भी गैंग अपार्टमेंट पर हमला नहीं करती। ये सुनने के बाद सुना उस टीचर से कहती है कि क्या हम जीवन और नामसन को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वो टीचर सुना को बताती है कि हम सिर्फ आपकी फैमिली यानी कि आपकी दादी को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। अब सुना की दादी सुना के अच्छे भविष्य के लिए उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, मगर जीवन सुना के जाने से उदास हो जाता है। तभी सुना जीवन को उसकी बनाई हुई एक स्केच देती है जो देखकर जीवन खुश हो जाता है। फिर सुना और उसकी दादी अपार्टमेंट के लिए निकल जाती हैं। कुछ समय बाद रात के समय में जीवन नामसन से उस अपार्टमेंट में चलने के लिए कहता है, जिस पर नामसन वहां जाने से मना कर देता है और फिर वो दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुना और उसकी दादी उन्हीं टीचर और कई लोगों के साथ अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सुना उस टीचर से पूछती है कि अगर मेरी दादी को ज्यादा चलने से कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, जिस पर टीचर सुना को बताती है कि हमने पास ही में एक मेडिकल कैंप बनवाया है और हम तुम्हारी दादी को वहां लेकर रुक जाएंगे। ये सुनकर सुना शांत हो जाती है। यहां सुना के साथ कुछ और बच्चों की भी फैमिलीज अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। तभी एक जुए नाम की लड़की सुना के पास आती है और सुना से बात करने लगती है। वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है। यही सुना की दादी के ज्यादा चलने की वजह से उनके पैरों में दर्द होने लगता है। तभी वो टीचर सुना की दादी और एक बूढ़े आदमी को अपने दो साथियों के साथ वापस पीछे मेडिकल कैंप में भेज देती हैं और बाकी सब अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी दूर चलकर सुना को कुछ कार्स और सोल्जर्स दिखाई देते हैं और वो टीचर उसे बताती है कि ये हमारी गाड़ियां हैं और यहां से आगे हम लोग इन्हीं में जाएंगे। ये सुनने के बाद सुना उस टीचर से बोलती है कि अगर ये गाड़ियां इतनी पास ही में थी तो आपने मेरी दादी को कैंप क्यों भेजा, जिस पर एक सोल्जर उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी दादी के वापस आने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अब तभी अपार्टमेंट जा रहे बाकी लोगों को प्यास और भूख लगने लगती है और इनके पास ना ही पानी होता है और ना ही खाना होता है। इसीलिए वो टीचर सुना से कहती है कि हम तुम्हारी दादी को लेने के लिए कल यहां पर गाड़ियां भेज देंगे। ये बात सुनकर सुना अपार्टमेंट जाने के लिए मान जाती है और कार में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों गार्ड सुना की दादी और उस बूढ़े आदमी को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उस बूढ़े आदमी को एक बड़े से गड्ढे में फेंक देते हैं और सुना की दादी को भी चाकू से मार देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शिकार ढूंढते हुए जीवन भी आ जाता है। ये देखकर सोल्जर्स जीवन पर गन से फायर करने लगते हैं। तभी नामसन उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर हमला करता है और अपने तीर और तलवार को उन दोनों के पेट में घुसा देता है, लेकिन उन दोनों सोल्जर्स पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो दोनों दोबारा से उठकर नामसन और जीवन पर हमला करने लगते हैं। यही जीवन एक सोल्जर का पैर एक ट्रैप में अटकाकर उसे उल्टा लटका देता है, पर वो सोल्जर अपने चाकू से अपना ही पैर काट लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर नामसन और जीवन समझ जाते हैं कि ये दोनों कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सोल्जर दोबारा से जीवन पर हमला करने लगता है। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है और वो सोल्जर का गला काटकर उसे मार देती है। उसे ऐसा करते देख नामसन भी दूसरे सोल्जर की गर्दन को काटकर उसे मार देता है। इसके बाद नामसन और जीवन सुना की दादी की डेड बॉडी को यहीं पर दफना देते हैं। फिर नामसन उस लड़की से पूछता है कि ये लोग ऐसे कैसे बने और तुम ये कैसे जानती थी कि इनकी गर्दन काट कर ही इन्हें मारा जा सकता है, जिस पर वो लेडी नामसन को बताती है कि मेरा नाम ली है और मैं पहले मिलिट्री में फोर्स मेजर थी। भूकंप आने के बाद हम सभी सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे, तभी हमें एक अपार्टमेंट दिखाई दिया जो भूकंप आने से भी नहीं गिरा था, जिसके बाद हम सभी लोग सर्वाइवर्स के साथ उस अपार्टमेंट में रहने लगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद वहां पर एक डॉक्टर आया जिसका नाम यांग था। ये वही डॉक्टर यांग होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि भूकंप से भी नहीं मरा होता है। ली नामसन को बताती है कि डॉक्टर यांग ने सब सोल्जर्स के अंदर एक ऐसा सीरम इंजेक्ट कर दिया जिससे वो सब अब तभी मर सकते हैं जब उनका गला काटा जाए। इसके बाद उसने मुझे भी अपनी टीम में शामिल करना चाहा, पर जब मैंने मना किया तो तब डॉक्टर यांग और सभी सोल्जर्स ने मुझ पर हमला कर दिया, मगर मैं किसी तरह वहां से भाग गई, लेकिन अभी भी मेरे साथी वहां पर कैद हैं। ये बात सुनकर नामसन सुना को बचाने के लिए अपार्टमेंट तक जाने का पता पूछता है। इस तरफ सुना और बाकी सभी लोग अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लोग सब्जियां उगा रहे होते हैं और सभी लोग सुना और बाकी लोगों का वेलकम भी करते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर यांग उन सब लोगों के पास आता है और सभी लोगों को पीने के लिए पानी देता है। इसके बाद सुना को रहने के लिए एक रूम दिया जाता है। सुना रूम में जाती है और एक नल खोलती है जिसके अंदर साफ पानी आ रहा होता है। ये देखकर सुना बहुत खुश हो जाती है। इस तरफ ली नामसन को बताती है कि सुना को जिस अपार्टमेंट में लेकर गए हैं उसके बाहर बहुत हाई सिक्योरिटी है और अगर कोई बिना परमिशन के अंदर जाने की कोशिश करता है तो तब सोल्जर्स उसे मार देते हैं। ये बात सुनकर नामसन उन्हीं गुंडों के पास जाता है जो पहले उसे अपार्टमेंट के बारे में बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो सभी गुंडे आपस में बहस करके लड़ाई कर रहे होते हैं। अब तभी यहाँ पर नामसन आता है और उन सबको शांत कराता है, लेकिन उन गुंडों का लीडर यानी कि टाइगर नामसन को देखता है और फिर अपने गुंडों से उसे खत्म कर देने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सारे गुंडे इन तीनों पर हमला कर देते हैं। नामसन जीवन और ली उन सभी गुंडों से लड़ने लगते हैं और सभी गुंडों को काफी बुरा मारते हैं। फिर नामसन टाइगर से उस अपार्टमेंट के बारे में पूछता है।
इस तरफ सुना उसी टीचर से अपनी दादी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी दादी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद वो टीचर सुना और जुए को अपने साथ पढ़ाई करने के लिए ले जाने लगती है और बताती है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आपको फैमिली से अलग रूम में रहना पड़ेगा। टीचर की ये बात सुनकर सुना को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो पूछती है कि आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। इस पर वो टीचर झूठ बोलती है कि मैंने ये बात तुम्हारी दादी को बताई थी, शायद तुम्हारी दादी ने तुम्हें ये नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ एक सोल्जर इन बच्चों के पेरेंट्स को पानी फिल्टर करने के काम पर ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गंदे पानी को साफ किया जा रहा होता है और बाकी के बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर नामसन को बताता है कि हम अपार्टमेंट में सोल्जर्स को जवान बच्चे सप्लाई करते हैं, जिसके बदले में वो हमें पीने का साफ पानी देते हैं। ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाली होती है, पर नामसन उसे रोक देता है। इसके बाद नामसन उसे एक मुक्का मारकर सुला देता है। इस तरफ टीचर डॉक्टर यांग को सुना और जुए के बारे में बताती है, जिस पर यांग टीचर से उन दोनों को भी अपना पानी पिलाने के लिए कहता है। यहीं एक सोल्जर डॉक्टर की लैब में से एक चूहे को पकड़कर खा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने इन सभी सोल्जर्स के अंदर उस सीरम को इंजेक्ट कर रखा है। अब इसके बाद टीचर सुना और जुए को जहां और भी टीनेजर्स होते हैं, टीचर सुना और जुए को बाकी स्टूडेंट से मिलवाती हैं और उन्हें सीट पर बैठ जाने के लिए बोलती हैं और फिर सबको पढ़ाने लगती हैं। तभी सुना सारे स्टूडेंट्स के कान के पीछे एक जैसा निशान देखती है, जो देखकर उसे अजीब सा लगता है और वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सुना क्लास में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और पढ़ने की बजाय स्केच बनाने लगती है। तभी टीचर सुना से पढ़ने के लिए बोलती है। इस पर सुना टीचर से कहती है कि यहाँ पर आपके पास जब इतना सारा पानी है तो तुम लोग बाहर के लोगों को पानी पीने के लिए क्यों नहीं देते। जिस पर टीचर सुना से कहती है कि हम बस जवान बच्चे और उनकी फैमिलीज को ही ये पानी पीने के लिए देते हैं, ताकि आने वाला भविष्य अच्छा हो सके। ये सब सुनकर जुए टीचर से कहती है कि मैं भी डॉक्टर यांग की मदद करना चाहती हूँ। यहाँ जुए काफी भोली लड़की होती है और वो इस सब को नहीं समझ पाती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसीलिए वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए मान जाती है। और ये सुनकर टीचर काफी खुश होती है और टीचर सारे स्टूडेंट्स को खाना और पानी देती है और पानी को पूरा पीने के लिए बोलती है, जिसकी बात सुनकर सुना समझ जाती है कि जरूर इस पानी में कुछ तो मिला हुआ है, जिस वजह से सुना उस पानी को नहीं पीती। अब तभी यहाँ पर डॉक्टर यांग आता है और टीचर उसे बताती है कि जुए आपकी रिसर्च में मदद करना चाहती है। ये सुनने के बाद यांग जुए को खाना खाकर अपनी लैब में आने के लिए बोलता है। यही सुना डॉक्टर यांग से कहती है कि क्या मेरी दादी यहाँ पर आ गई, जिस पर यांग सुना से कहता है कि तुम्हारी दादी यहाँ आ तो गई, लेकिन उनकी तबीयत काफी खराब है और मैं उनका इलाज कर रहा हूँ, तुम दो दिन बाद ही अपनी दादी से मिल सकती हो। ये झूठ बोलकर डॉक्टर यांग सुना से पानी और खाना खाने को बोलता है, लेकिन सुना उसके कहने पर भी पानी नहीं पीती। अब इसके बाद डॉक्टर यांग अपने एक सोल्जर को उसी सीरम का इंजेक्शन देता है, जिससे उसके कान के पीछे बना वही निशान बढ़ने लगता है। फिर ये सोल्जर डॉक्टर यांग को बताता है कि बाहर जो हमारे दो सोल्जर्स गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, जिस पर डॉक्टर यांग सोल्जर से कहता है कि वो सोल्जर्स इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब रात होने पर जुए रूम में वापस नहीं आती तो सुना उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर यांग की लैब में छुपकर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जुए के मॉम डैड एक सोल्जर से कहते हैं कि हमें अपनी बेटी जुए से मिलना है, पर वो सोल्जर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पर डॉक्टर यांग आते हैं और इन सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन जुए के मॉम डैड जुए से मिलने की जिद करने लगते हैं, जिसके बाद डॉक्टर यांग जुए के मॉम डैड को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इधर सुना जब लैब में जाती है तो यहाँ उसे इंसानों पर हुए एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लोग मर भी चुके हैं। फिर यहीं सुना जुए को देखती है, जो कि एक बेड पर लेटी होती है और उसके गले में उसी जगह पर एक पाइप लगा होता है, जिस जगह पर बाकी बच्चों का निशान बना हुआ था। ये देखकर सुना समझ जाती है कि डॉक्टर यांग ने इस पर भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। सुना ये सब देख ही रही होती है कि तभी डॉक्टर यांग जुए के मॉम डैड को यहाँ लेकर आ जाते हैं। ये देखकर सुना वहीं छुप जाती है। यहीं जुए के मॉम डैड जुए को इस हालत में देखकर डॉक्टर यांग से पूछते हैं कि जुए को क्या हुआ है, जिस पर डॉक्टर यांग उन्हें अपनी बेटी का आधा कटा हुआ शरीर दिखाता है, जिसे उसने पानी में रख रखा होता है और वो अभी भी जिंदा होता है। डॉक्टर यांग जुए के मॉम डैड से कहता है कि आपकी बेटी इस एक्सपेरिमेंट के बाद कभी भी नहीं मरेगी। जुए के मॉम डैड डॉक्टर की ये बात सुनकर डर जाते हैं और जुए को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जुए की तबीयत खराब होने लगती है और जुए यहीं पर मर जाती है। उसे मरता देख डॉक्टर यांग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब तक उसके कई एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे और उसे बड़ी मुश्किल से जुए जैसा सब्जेक्ट मिला था, लेकिन उसके मरने से डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो एक साथ जुए के मॉम डैड को भी मार देता है। सुना ये सब देखकर बहुत डर जाती है, मगर अब तभी डॉक्टर सुना को छुपा हुआ देख लेता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए अब दूसरा सब्जेक्ट मिल गया है। इस तरफ नामसन जीवन और ली टाइगर के साथ अपार्टमेंट के पास आने लगते हैं। वहीं डॉक्टर यांग सुना को बेड पर लेटा देता है और उसके कान के पीछे निशान लगाता है। तभी सुना उससे कहती है कि मैं जान गई हूँ, तुम लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए ही हम जवान बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो।
इस पर डॉक्टर यांग सुना को बताता है कि तुम जवान बच्चों के शरीर के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी मुझे सीरम बनाने में जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से मैं पहले उन बच्चों को वही पानी पिलाता हूँ जो मैंने तुम सबको दिया था, जिसके बाद वो चीज जो मुझे चाहिए वो आराम से निकल जाती है। अब डॉक्टर यांग सुना के कान के पास से वही चीज निकालने लगता है। इस तरफ टाइगर नामसन और सभी लोगों को अंदर ले जाने के लिए अपार्टमेंट के बाहर खड़े गार्ड से कहता है कि मैं आप लोगों के लिए नए लोगों की डिलीवरी लेकर आया हूं, पर सोल्जर्स उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि बताई गई तारीख पर वापस आना। तभी नामसन उस सोल्जर पर हमला कर देता है और फिर सारे सोल्जर्स के ऊपर ट्रक चढ़ाता है और अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। तभी और भी सोल्जर्स इन पर हमला करने लगते हैं। इसके बाद नामसन उन सभी को गोलियों से मारता है। तभी वही टीचर नामसन को देखती है और सोल्जर्स के लीडर को बताती है कि ये लोग सुना को लेने यहाँ पर आए हैं। सोल्जर्स का लीडर टीचर से कहता है कि डॉक्टर को जाकर इस बारे में इन्फॉर्म कर दो। यही जीवन और ली भी सोल्जर्स पर गन से हमला करते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। इस तरफ टीचर डॉक्टर यांग के पास आती है और उन्हें बताती है कि ली और इस लड़की के दोस्त इसे लेने आ गए हैं, लेकिन उसकी बात पर डॉक्टर यांग ज्यादा गौर नहीं करता और टीचर को कहता है कि मेरे सोल्जर्स उन्हें मार देंगे, और फिर वो सुना पर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। वहीं ली नामसन और जीवन को बेसमेंट में अपने दोस्तों के पास लेकर जाती है, जहां वो अपने सोल्जर्स दोस्तों को देखती है और उनको जेल से बाहर निकालने लगती है, लेकिन ली के वो दोस्त इन्हीं पर हमला कर देते हैं। ली उन्हें देखती है जो कि यांग के एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पूरे बदल चुके होते हैं और ज़ॉम्बीज जैसे मॉन्स्टर्स बन गए होते हैं जिनकी जीभ बिल्कुल सांप की तरह होती है। ये देखकर नामसन उन सभी को मारने लगता है। यहीं जीवन भी गन से इन पर हमला करता है और सभी मॉन्स्टर्स बने सोल्जर्स को खत्म करने लगता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार देते हैं। फिर डॉक्टर यांग अपने अपार्टमेंट में लगे माइक की मदद से सभी सोल्जर्स और आम लोगों को ली नामसन और जीवन के अपार्टमेंट में अंदर आने की खबर देता है और नामसन से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जिंदगी भर यहीं सड़ोगे। ये सुनकर नामसन को गुस्सा आता है और वो बेसमेंट में लगा अलार्म तोड़ देता है। यहीं डॉक्टर यांग अपने सोल्जर्स से इन्हें खत्म कर देने के लिए बोलता है। इस तरफ नामसन, ली और जीवन बेसमेंट से बाहर आने लगते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नामसन उन पर फायर करता है और वो ग्रेनेड सोल्जर के हाथ में ही फट जाता है, जिससे सभी सोल्जर्स मर जाते हैं। इसके बाद जीवन ली उन सोल्जर्स की गन को उठा लेते हैं। तभी कुछ और सोल्जर्स इन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर नामसन जीवन और ली को सुना को ढूंढने जाने के लिए कहता है और अकेले ही इन सोल्जर्स से लड़ने लगता है। नामसन वहां पर रखे हुए एक फायर एक्सटिंग्विशर पर गन से हमला करता है, जिससे चारों तरफ गैस फैल जाती है। फिर नामसन सोल्जर्स पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। नामसन अपना हथियार निकालता है और उन पर हमला करता है और सभी सोल्जर्स को मार देता है। वहीं जीवन और ली भी सोल्जर्स को मारते हुए अपार्टमेंट में ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर सुना को रखा गया है, मगर कुछ सोल्जर्स उनके पीछे आते हैं। ली जीवन से आगे जाकर सुना को बचाने के लिए कहती है और खुद वहीं रुककर उन सोल्जर्स से लड़ने लगती है। इस तरफ नामसन भी पानी फिल्टर कर रहे लोगों के पास आता है। यहां पर वो लोग उसे बताते हैं कि सुना और बाकी स्टूडेंट्स को अपार्टमेंट के ऊपर रखा गया है। ये सुनने के बाद नामसन अपार्टमेंट में ऊपर की तरफ जाने लगता है। वहीं ली सोल्जर्स को मार रही होती है। तभी सोल्जर्स का लीडर यहां पर आता है और ली को बहुत बुरी तरह से मारता है। सोल्जर्स का लीडर ली से कहता है कि हमारी टीम में वापस शामिल हो जाओ, पर ली एक चाकू से उसकी आंख पर हमला करती है और उनकी टीम में शामिल होने से मना कर देती है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आंख से हाथ हटाता है और ली देखती है कि उसकी आंख बिल्कुल एक क्रोकोडाइल जैसी हो गई है। अब सोल्जर गुस्से में आकर ली को अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देता है, जिससे ली वहीं बेहोश हो जाती है। इस तरफ जीवन भी सुना को ढूंढता हुआ स्टूडेंट्स की क्लास में पहुंचता है, जहां पर जीवन उसी टीचर से सुना का पता पूछता है, जिस पर टीचर उसे बताती है कि सुना डॉक्टर यांग की लैब में है। जीवन सभी स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली के पास जाने के लिए कहता है और टीचर के साथ डॉक्टर यांग की लैब में जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने भी सोल्जर्स का वही लीडर आ जाता है और जीवन को मारने वाला होता है। लेकिन तभी यहां पर नामसन आता है और जीवन से कहता है कि जाओ सुना को बचाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर नामसन इस सोल्जर से लड़ने लगता है। इस तरफ यांग सुना के अंदर से वो चीज निकाल लेता है जिसकी उसे सीरम बनाने में जरूरत पड़ती थी, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी सुना को होश आता है और वो डॉक्टर को बताती है कि मैंने तुम्हारा दिया वो पानी अभी तक नहीं पिया था, इसीलिए तुम्हारे ऊपर इस सीरम के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर यांग को गुस्सा आता है और वो सुना को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जीवन आता है और यांग के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन डॉक्टर यांग सुना के गले पर चाकू रखता है और जीवन से गन नीचे रखने के लिए कहता है। जीवन सुना को खतरे में देखकर गन नीचे रख देता है। तभी एक लेडी सोल्जर वहां आकर जीवन को मारने लगती है। इसके बाद डॉक्टर यांग और टीचर दोनों मिलकर डॉक्टर यांग की बेटी के शरीर वाले बॉक्स को एक बैग में रख लेते हैं, ताकि वो लोग यहां से भाग सके। इस तरफ नामसन के बहुत मारने के बाद भी सोल्जर्स के लीडर पर कोई भी असर नहीं होता और वो नामसन को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी नामसन उसे अपार्टमेंट के बाहर लटका देता है और उसकी गर्दन को काट कर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे फाइनली वो सोल्जर मर जाता है। फिर नामसन डॉक्टर यांग की लैब में आता है और उसी टीचर और उसी लेडी सोल्जर को मारने लगता है।
तभी डॉक्टर यांग दूसरे रास्ते से अपनी बेटी के शरीर वाले सूटकेस को लेकर यहाँ से भागने लगता है और एक ग्रेनेड को लैब के अंदर फेंक देता है। ये देखकर जीवन सुना के बेड को उल्टा कर लेता है और सुना और अपनी जान को बचा लेता है। नामसन किसी तरह लैब में घुसता है और जीवन और सुना को बचाकर अपने साथ अपार्टमेंट के बाहर ले जाने लगता है। वहीं डॉक्टर यांग अपार्टमेंट से नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर उसे सभी बच्चों के पेरेंट्स मिलते हैं और अपने बच्चों की खराब हालत देखकर डॉक्टर यांग को मारने लगते हैं। यहीं ली को भी होश आ जाता है और वो नामसन के पास आकर उससे डॉक्टर यांग के बारे में पूछती है, जिस पर नामसन उसे जीवन और सुना को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए बोलता है और खुद डॉक्टर यांग को मारने जाने लगता है। वहीं उन बच्चों की फैमिली वाले डॉक्टर यांग को मार रहे होते हैं और उसके सारे सीरम की बॉटल्स को भी नीचे गिराकर तोड़ देते हैं। ये देखकर डॉक्टर यांग को अब गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास पड़ी गन उठाता है और सभी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इसी वजह से कुछ गोलियां उसके सूटकेस में भी लग जाती हैं, जिससे उसकी बेटी का अब आधा शरीर भी मर जाता है। यही डॉक्टर यांग के ऊपर उस सीरम का गलत रिएक्शन होने लगता है, जिससे उसके चेहरे और शरीर पर कुछ अजीब से फंगस आने लगते हैं, जो देखकर डॉक्टर यांग को बहुत गुस्सा आता है। यही नामसन डॉक्टर यांग के पास पहुंचता है और उसे देखकर डॉक्टर यांग उस पर गोली चलाने लगता है। तभी यहाँ पर ली जीवन और सुना के साथ आती है। यांग सुना को देखकर उस पर गोली चलाने वाला होता है, तभी नामसन उसके गोली मारता है, जिससे डॉक्टर यांग भी यहीं पर मर जाता है और आखिरकार मासूम लोग एक्सपेरिमेंट से बच जाते हैं। इसके बाद नामसन और जीवन सुना के साथ ली को बाय कहकर यहाँ से वापस लौटने का फैसला करते हैं। यहीं ली इसी जगह पर रुककर दूसरे लोगों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। अब तभी यहाँ पर बहुत दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद सुना को दिखाया जाता है, जो नामसन और जीवन के साथ रहने लगी थी। यहीं जीवन और सुना एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस कहानी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।